देवभूमि उत्तराखंड अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, लेकिन वहां की सड़कें सारी हकीकत बयां करती हैं। दरअसल उत्तराखंड के दिनेशपुर में सड़कों का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। सड़कें इस कदर टूटी हुई हैं कि स्कूली बच्चों को स्कूल जाते समय बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं आम लोगों को भी भारी परेशानियां होती हैं। बहुत ही खराब हालत में है। अगर रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक मरीज को शहर तक पहुंचाने में बड़ी तकलीफ होती है। सड़कों की बदहाली से उत्तराखंड के लोगों का सब्र टूटता जा रहा है। हर साल सरकार के लाख दावों के बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं होता। वहीं लोगों के कई बार शिकायत के बाद भी प्रशासन के कान पर जू तंग नहीं रेंगती और लोगों को बस झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। ये जब बारिश होता तब इतना पानी भर जाता कि चलने के लिए इतना दिक्कत आता कि गाड़ी से उतर के फिर धक्का लगा के जाना पड़ता है। और कई बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं होता है। मंत्री आते हैं, मंत्री बोलता है कि अगले हफ्ते बन जाएगा, दूसरे बजट में बन जाएगा, तीसरे बजट में बन जाएगा, लेकिन आज तक नहीं बना। आखिर सवाल इस बात का है कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी क्यों कई सालों से विकास नहीं हो पाया? कब तक सड़कों की हालत सुधर पाएगी? कहीं ऐसा ना हो जाए कि विकास के काल्पनिक रथ पर सवार बीजेपी का विजय रथ 2019 में इन सड़कों पर चलने से धाराशाही ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100। अगर आप उत्तराखंड की वादियों में घूमने के लिए रुड़की जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि रुड़की की सड़कें इन दिनों गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिसके चलते आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होना आम बात हो गई है। क्षतिग्रस्त सड़कें राहगीरों की जान ले रही है और शासन प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। और यहाँ की सड़कें इतनी खराब हो रही हैं, पुल में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं जिसकी वजह से कुछ भी हादसा हो सकता है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बल्कि एक दो बार मैं इस पुल पे आता जाता बचा भी हूँ। शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर रुड़की वैसे तो कई समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन आखिर कब तक रुड़की वासियों को ऐसे ही क्षतिग्रस्त सड़कें पर आना जाना करना पड़ेगा? क्यों सरकार अब तक हरकत में नहीं आई? आखिर कब तक ऐसे ही सड़कें बेगुनाह लोगों की जान लेती रहेंगी और कब तक शासन प्रशासन इन बड़ी समस्याओं से अनजान बैठा रहेगा? कहते हैं कि किसी भी देश, राज्य या क्षेत्र के विकास का अगर आकलन करना हो तो वहाँ की सड़कें सब बयां कर देती हैं। जितनी चिकनी, सपाट, साफ सुथरी सड़कें उतना ही बेहतर विकास। और ऐसे में बात अगर देवभूमि उत्तराखंड की हो तो जनाब सड़कों के हिसाब से उत्तराखंड का विकास से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। देखो, सड़कें उत्तराखंड की लाइफलाइन है, पर यही सड़कें हादसों का सबब बनती हैं। देखिए जरा ये हालात हैं उत्तराखंड के जसपुर देहरादून को जोड़ने वाले एकमात्र नेशनल हाईवे 74 के, जो पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चला है। अब ऐसे हालातों में जानलेवा हादसे नहीं होंगे तो क्या होगा? इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा जा सकता है कि उत्तराखंड में कितनी तेजी से और किस तरह से विकास हो रहा है। हर दिन इस मार्ग पर छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होना अब आम हो चला है। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस मार्ग को पार करने के लिए मजबूर हैं। इन पिछले कई वर्षों से सिर्फ एक लीपा पोती के अलावा सड़क पर कोई काम नहीं हुआ। तमाम गड्ढे हैं, स्कूल बसों में बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस रोड की खस्ता हाल और जर्जर होती रोड की दशा को देखकर अभी तक ना तो उत्तराखंड का कोई इस रोड से संबंधित अधिकारी इसकी सुध लेने आया, ना कोई यहाँ का नेता इसकी सुध लेने आया। इन गड्ढों की वजह से आए एक्सीडेंट होते हैं, छह घरों के चिराग बुझ चुके हैं अब तक, लेकिन शासन प्रशासन इसकी तरफ को ध्यान नहीं दे रहा। कारण ये है कि मान नहीं लग पा रहा सब में, साफ भाव फिर हो रहे हैं भाई साहब।
कोई भी अगर एक पैसा तभी से इन गड्ढों में लगा दे, इन सड़कों में लगा दे, तो इनमें कभी गड्ढे नहीं होंगे भाई साहब। मात्र 15 मिनट में पूरा होने वाला ये सफर इन दिनों घंटों में तय हो पा रहा है और ऐसे में पता भी नहीं कब किसके साथ कैसा हादसा हो जाए। कल्पना कीजिए, किसी की बूढ़ी माँ, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे इंतजार कर रहे हों और ऐसे में किसी हादसे की खबर आ जाए, ये सोचते हुए भी डर लगता है। लेकिन यही तो आम हो चला है नेताओं के लिए और शायद इसीलिए शासन प्रशासन कुंभकर्ण ने नींद सो हुआ है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने उनको बात हुई है और हम लोग जल्दी उसको काम स्टार्ट करके गड्ढे को भर देंगे। रोड एनएच की है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये रोड है NH-74, तो ये NH-74 के थ्रू ये काम किया जाएगा। लापरवाही की अति का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जसपुर को कुमाऊं का मुख्य द्वार माना जाता है और देहरादून को कुमाऊं से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता। हर दिन यहाँ से VIPओं की गाड़ियाँ गुजरती हैं, बावजूद इसके इस मार्ग की कोई सुध लेने वाला नहीं है। वहीं जनता इस बदहाल सड़क के चलते खून के आंसू रोने को मजबूर है। आखिर में सवाल यही कि क्या हर बार की तरह इस बार भी पहले किसी हादसे के होने का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि हादसे के बाद शासन प्रशासन को बड़ी ही आसानी से मुआवजे के नाम पर पल्ला झाड़ना बड़े ही अच्छे से आता है। जसपुर से आलम रजा की रिपोर्ट, TV100। उत्तराखंड के गढ़वाल में दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला उफरैखाल सरायखेत मोटरमार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गाड़ियां चलाना तो दूर, लोगों का पैदल चलना भी दुर्भर हो गया है। आलम यह है कि गांव से शहर तक जाने में लोगों को सुबह से शाम हो जाती है। कई बार तो सड़क पर गड्ढों की वजह से गांव से शहर जा रहे मरीज भी समय पर नहीं पहुंच पाते। गाँव को जोड़ने वाला ये मोटर मार्ग जो कि आज तक जो है किसी भी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। रोड में इतने गड्ढे हैं कि कभी भी किसी भी बड़े हादसे को जो है दावत देने के लिए वहाँ पे जो है अनहोनी का खतरा बना हुआ है। गढ़वाल की सड़कों पर चलना मतलब मौत को दावत देना। चुनाव होने से पहले हर बार सरकार लोगों से बड़े बड़े वायदे तो करती रही लेकिन उन पर कभी अमल नहीं करा। वहीं लोगों की कई बार की गई शिकायतों पर भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि कब तक आम लोग परेशान रहेंगे? आखिर जिम्मेदार विभाग के अफसर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? क्या ऐसे ही हर बार की तरह सरकार चुनाव से पहले झूठे वायदे करती रहेगी या फिर कभी अपने वायदों को भी पूरा करेगी? पार्वत रावत, TV100, चौबट्टा खाल। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, ये भाई। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप यूपी की तरफ आ रहे हैं तो जनाब जरूरत है देख कर चलने की, आगे पीछे ही नहीं, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह देख कर चलने की। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो बस तैयार रहिए, इधर आपकी नजरें हटी और उधर दुर्घटना घटी। ये हम नहीं कह रहे, यहाँ की सड़कों के हालात देखकर आप खुद समझ जाएंगे, क्योंकि मात्र नाम की सड़कें हैं यहाँ। यहाँ सड़कों जैसा आपको कुछ नजर नहीं आने वाला। कच्ची मिट्टी के रास्ते, वो भी ऊबड़ खाबड़, और इसमें भी सोने पर सुहागा ये गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ है। गलती से यहाँ गिर गए तो बस गए फिर लंबी छुट्टी पर। ये हालात यूपी के हापुड़ जनपद की सड़कों के हैं। नेशनल हाईवे से लेकर शहर के अंदर तक सभी सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। उनको भरने वाला कोई अधिकारी इन पर ध्यान नहीं दे रहा। सड़क में हो रहे इन गड्ढों से कई हादसे भी हो चुके हैं जिनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन जिम्मेदार विभाग का गड्ढों पर कोई ध्यान नहीं। लोगों का कहना है कि शुरू में योगी सरकार के आदेशों पर सड़कों के गड्ढे जरूर भरे गए थे, लेकिन अब सरकार का खौफ अधिकारियों में दिखाई ही नहीं दे रहा, जिसके चलते सभी लापरवाह होते नजर आ रहे हैं।
सवाल ऐसे में यही कि भैया कहाँ गए योगी सरकार के वो दावे जिसमें कहा गया था कि यूपी की सड़कें 50 दिनों में सपाट साफ और गड्ढा मुक्त करा दी जाएंगी। और यूपी के इन हालातों को देखकर अब क्या दलील पेश करना चाहेगा यहाँ का जिम्मेदार विभाग। उत्तर प्रदेश की इन सड़कों को देखकर क्या आप कल्पना कर सकते हैं यूपी के विकास की। चाहे कुछ भी हो, एक बात तो समझ आती है, सरकार किसी की भी हो जनता का भला होने से रहा। पहले यूपी में सपा का राज था तब भी यही हालात थे, अब बीजेपी सत्ता में है अब हालात और भी बदतर है। जनता किससे उम्मीद करे, कैसे उम्मीद करे।